गधा हूं मैं, बहुत बड़ा गधा हूं मैं। मतलब जिस तरह से मैंने दिल तोड़ा है ना उसका, मैं उससे कितना भी प्यार कर लूं वो जख्म भरेंगे नहीं कभी भी। मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं जो तुम्हें सराहे, है तुम जैसी हो वैसी रहो, तुम्हें एक पल को भी बदलने की कोशिश ना करे। मैं वो बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं जो पूरे दिल से तुम्हारे इस बावरे मन को चाहे। नो ड्रामा प्लीज। गुनीत, सुन कुछ तो बोलो प्लीज, कुछ सुनो गुनीत, गुनीत सुनो, एक बार नहीं दो बार गलती हुई है, दो बार तुमने मेरा दिल तोड़ा है। उस दिन मिलना था, एनडी पे नहीं आया, ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर भी माफ कर देती, मैं माफ कर देती सोच कर कि शायद डर गया, शायद शायद उसे नहीं मिलना था। हो सकता है ऐसा होता है, कई बार होता है, मैं माफ कर देती लेकिन उसके बाद हफ्तों तक तुमने मुझे देखा, मुझे पल पल टूटते देखा, मेरे आत्मविश्वास को हिलते देखा, लेकिन तुमने क्या किया, झूठ बोला, झूठ में झूठ बोला, नहीं आकर बताया। तुम उस दिन के बाद से लगातार जानते थे, रोका तोड़ा मैंने, तुम जानते थे क्यों, जानते थे। नो ड्रामा प्लीज, नहीं मुझे ठुकराया लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा अंबर शर्मा, मेरे आत्मविश्वास को जोड़ के रख दिया, मेरे आत्मसम्मान को बहुत जोर का झटका दिया। इस बार माफ नहीं करूंगी। जिन्हें जन्नत की खुशियां मिल सके वो शौक से ले लें, हमें छोड़ो, हम तो अपनी किस्मत आजमा बैठे। दूसरी बार प्यार खोया है मैंने अपना जिंदगी में हकीम, लेकिन इस बार गलती पूरी तरह से मेरी है। अब आगे? आगे क्या? नहीं वही तो पूछ रहा हूँ। अब सारी प्रेजेंटेशन ऑर्डर में चाहिए, आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट। आरबी को जानती है? ये सरप्राइज नहीं, शौक है।
Have a seat, sir. And just make sure everybody's. Hi. So this is the Guneet team. He's Kabir. He's the head. Hello. Swara. Hello, sir. Shri. Hi. And Kajal is in my company. We're working together. Hello, everyone. Hi. Hello. आप लोग जाके वर्कशॉप की तैयारी कीजिए. I'll join you guys in 2 minutes. Sure, sir. Sure. Would you like anything? Tea, coffee? No, thank you. Welcome. तू आरती को जानती है? काम ही नहीं तू. Babe, relax, relax. Let me breathe, यार. बताती हूँ एक सेकंड रुको. आरती. हाँ निया, बोलो. हमारे घर पे रह रहा है. I mean ऊपर जहाँ पे वो नीचे रहती थी. पर कैसे? B&B as a tenant. Daily soap नहीं है, एक नाकाम love story है, इतनी ही होगी. आगे की कोई गुंजाइश मत रखो, कोई है भी नहीं गुंजाइश उसमें. अब प्याज जरा छोटे काटो यार, इंसानों के लिए काटो प्याज. अरे यार ऐसे ही आता है मुझे यार. मतलब कहाँ बात चल रही, तुम कहाँ हो? मैं क्या कह रहा हूँ? वही. हाँ हाँ पता है मुझे, घर चला जाता हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे. डॉक्टर हो तुम? हरकत नहीं है लेकिन डॉक्टर वाली. मैं क्या कह रहा हूँ, ये 3 महीने पहले की बात है, बिफोर लॉकडाउन. ठीक है, तो उस टाइम गर्मा गर्मी हो गई होगी, उसने कुछ बोल दिया होगा, तुमने कुछ बोल दिया क्या? मतलब गुस्से में आके बोलने से मतलब कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना बन जाती है बात. अभी काफी वक्त मिल गया, उसका भी गुस्सा शांत हो गया होगा, तो एक बार कोशिश करके देखने में क्या हरकत है. अभी जो हुआ तुम्हारे सामने उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि बात करके देखो? सुनो, मुझे ऐसा लगता है मुझसे उतनी दुखी नहीं है वो जितनी डिसअपॉइंटेड. नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है. मुझे लगता है. सुनो तुम, मेरे इसलिए कह रहा हूँ, एक बार बात करने में क्या हर्ज है, कोशिश तो करो. बिलीव मी. नहीं यार रखी, मेरी परेशानी है कि मैं दोबारा उसकी आंखों में अपने लिए वो नफरत नहीं देख सकता. वो नहीं होगा मुझसे. पर मैं तो एक बार का सब कुछ भूल भी जाऊं, मुझे नहीं लगता कि निया भूल पाएगी ये सब कुछ. है? मतलब निया को भी सब पता है? बेटी है मेरी, इसी घर में रहती है, 3 महीने से दोनों घर से बाहर नहीं निकले, उसको नहीं पता होगा? कमाल कर रहे हो यार तुम भी बात. अच्छा उसका क्या रिएक्शन? अरे छोड़ो यार उसका जो भी रिएक्शन है, कुल मिलाकर ये बात समझ लो कि अगर मेरे और गुनीत के बीच में कुछ भी हुआ तो निया का दिल तोड़े बिना नहीं हो सकता वो. साले दब्बू शर्मा, एक नंबर के दब्बू हो, फिसड्डी डरपोक. मुझे मालूम होता तुम इस तरह के फिसड्डी निकलोगे, तुमसे कभी जिंदगी में दोस्ती ना करता मैं. आज तोड़ दो, यही करना. 3 महीने के बाद आया यहाँ पे, आके उंगली करो, आग लगाओ, निकल लो फिर उसके बाद. कोई उंगली नहीं कर रहा, तुमको आईना दिखाया जा रहा है बस. ये बोलो ना कि तुम्हारी फट रही है इसलिए अपनी बेटी के पीछे छुप रहे. अरे बच्चे की खातिर कोई अपना प्यार कुर्बान करता है क्या? प्यार छोड़ता है क्या? सुनो, मेरे बच्चे ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, ठीक ना? तो अपना प्यार तो मैं छोड़ ही सकता हूँ उसके लिए. और इस बात का ख्याल रखना, याद रखना इस बात को, मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से बहुत अलग है. ये बात मैं मानता हूँ. वो बच्चा तुमसे इतना प्यार करता है कि दुनिया का कोई बच्चा अपने माँ बाप को नहीं करता होगा. और तुम बाहर से चाहे जितना फूफू फूफू कर लो, अंदर खाने तो तुम भी दुखी हो ना. और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निया ये मानती है कि उसके बाप का प्यार सच्चा है. इसलिए कह रहा हूं मेरी बात मानो एक बार. से कितने लोगों ने भैंस को दूध देते देखा? ये आधा हाथ क्यों खड़ा किया मेरे भाई? वो एक बार जब गांव गए थे ना, तो वहां मैं गौशाला में गया था, पर जब तक मैं पहुंचा ना तो भैंस ने अपना काम कर दिया था, आई मीन दूध दे दिया था, इसलिए हाथ. मिया तुमने? नो सर. ऋषि? नो ऋषि सर. पता यही प्रॉब्लम है तुम सबकी. अगर इंडिया के मिल्क रेवोल्यूशन के बारे में तुम में से किसी से भी पूछूं ना, तो यूं फटाक से जवाब दोगे यू डोंट नीड दैट, क्योंकि तुम सब ने कॉलेज में कभी ना कभी इस सब पे एक केस स्टडी पढ़ी हो, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने वाले रहते कंप्यूटर के इस तरफ,
लेकिन असली कंज्यूमर्स रहते हैं छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, गौशाला, इनके बारे में हमें से कोई नहीं जानता। ये जो कंप्यूटर है ना, इससे सिर्फ आपको जानकारी यानी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज नहीं। कुछ और है उठाने को? पिक द कैप अप। मेरी वर्कशॉप क्यों ज्वाइन की? ज्ञान। एंड यू? सो बिकॉज हमारी स्टार्टअप कंपनी एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम यू एंड ऑब्वियसली हु बेटर देन यू? यस। सो ऑब्वियसली। बकवास। सही रीजन ये है कि आप लोगों ने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है वर्कशॉप, बिकॉज आप लोग जानते हैं मैं सक्सेसफुल। ये जो आप सपना देख रहे हैं ना, बड़े नाम का, बिजनेस का, जरूर देखो, बट डू नॉट आस्क मी कैसे और क्यों, बिकॉज आई बिलीव इन मेकिंग बिग बिजनेसमैन, नॉट बिग बिजनेसेस। बड़ा बिजनेस वो खुद बना लेते, देयर इज नो नीड टू राइट दैट। दैट रिमाइंड्स मी, तुम्हारी ये वर्कशॉप आसान नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आप में से किसी का भी कोई जवाब नहीं देने वाला। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप लोग खुद ढूंढेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में सवाल हमेशा होने चाहिए, चाहे उसके जवाब हो या नहीं। अनिया। यस सर। मुझे जानना है तुम्हारे फादर का बिजनेस फेल क्यों हुआ? प्लीज डू नॉट टेल मी कि टूरिज्म इंडस्ट्री में क्राइसिस चल रहे हैं इस वजह से। आई वॉन्ट टू नो द रियल रीजन वाई मिस्टर अंबर शर्मा की स्ट्रैटेजी में क्या प्रॉब्लम है। बाय टुमारो। बोल सर जी, हमें ना अब और ड्राइवर ढूंढने पड़ेंगे, और जितने ड्राइवर थे वो तो गांव चले गए, अब वहां से वापस आएंगे नहीं आएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, अब सड़क पे निकलता हूँ ड्राइवर ढूंढने। सर जी आप तो बुरा मान जाते हो मेरी बात, मेरा मतलब ये थोड़ी था। हराम खुरू, कोई काम मत करना तुम दोनों, सिर्फ मेरी छाती पे बैठ के मुंह दलना और कुछ मत कर लेना। सर जी मुझे तो बताते जाओ मैं क्या करूं। झक मार, इतने सालों से झकी तो मार रहा, झक मार। क्या यार ये ना सर जी ना जिंदगी खराब कर रखी है मैं। अरे ये हम लोगों से नाराजगी नहीं है इनकी, ये उनसे चिढ़े हुए हैं, जिनका नाम लेना भी खतरा से खाली नहीं है। बस अब ये जो बोले उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ 20 साल से जमाया हुआ धंधा पानी फिरने वाला है उसके ऊपर। हाँ जी, मतलब एक साल में जो बंटा धार हुआ है ना वो तो तुम देख ही रहे हो, ऐसे ही रहा तो बहुत जल्दी शादियों में बसें चलाएंगे हम लोग। हाँ वो तो है, और तुम दोनों हरामखोर यस सर ही करते रहना, ये नहीं कि कुछ अपना दिमाग लगा लो, सोच लो कुछ। 20 साल से ड्राइवर है ड्राइवर रहना, तू अकाउंटेंट है अकाउंटेंट ही रिटायर हुई हो, कुछ करना लीजिए जिंदगी में। तू निया होती ना अभी कम से कम दो ढंग के सोल्यूशन तो देती, मतलब इतना तो करती कम से कम। वहीं से सोचिए जहां से शुरुआत की थी। देखिए क्या है, जब जड़ें मजबूत होंगी तभी तो पेड़ टिकेगा ना। हाँ सर। ये बात है, लीजिए। थैंक यू सर। अरे खाई खाई, हाथ सैनिटाइज किया? नहीं नहीं, थैंक यू सर। और आजकल की दुनिया में इंसान वही ढूंढ रहा है जीने के उसूल, और आप तो कब से वही उसूलों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सही बोल रहा हूँ? अपने बच्चों के नाम बताइए। शिवा बोला। काय को? वो जमाना याद कीजिए मिस्टर शर्मा, जब हमें ड्राइवर के बच्चों के नाम बताओ थे आदमी सेफ फील करता था, सिक्योर फील करता था। आज की डेट में क्या है, आपने कॉल किया, कैब आई, कौन ड्राइवर, कहाँ से आ रहे हैं कुछ पता ही नहीं, तो कहाँ से सेफ फील करेंगे। और आप आज भी वही हैं, आपका दिल वही है मिस्टर शर्मा, आप पता नहीं बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।
और मेरी बात मान लीजिए, आने वाले कुछ समय में आकर आप जैसे बिजनेसमैन की बिजनेस की दुनिया में बहुत वैल्यू होने वाली है। लगता नहीं है। आज की डेट में बंदा एक चम्मच खरीदने के लिए दुकान जाने को तैयार नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कहां से होगा ये सब कुछ? पॉसिबल नहीं है। हाँ भी और नहीं भी। देखिए क्या है, ऑनलाइन में सहूलियत है, अपनापन नहीं। लेकिन ये बात निया को मत बताइएगा, उसका होमवर्क है। और हाँ, ये सीढ़ी में लेकर जा रहा हूँ, देख के लौटा दो। But this is awesome, Captain. हमारे पास हुकुम का इक्का निकला है, ऋषि बर्मन। मुझे तो पता भी नहीं था कि डैड ने एज अ टेरेंट मतलब ऋषि बर्मन को रखा है। अंकल जी की जय हो। काश अंकल जी ऐसे ही टेनेंट्स बदलते रहे और हम इस रेस में ना इन बीनट के लोगों से आगे बढ़ते रहे। आई थिंक ना हमारे पास एक प्लस पॉइंट होगा। Of course, dude. Of course, it's so good. That's actually good for us. निया, वैसे तुम कल बता सकती थी कि ऋषि सर तुम्हारे घर रुकने वाले हैं। इसमें छुपाने की क्या जरूरत थी? हाँ? मुझे खुद नहीं पता था। मुझे खुद घर पे जाने के बाद पता चला है। Really? Are you saying कि तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम्हारे घर नया टेनेंट कौन आने वाला है? Come on, Nia. Mentorship के लिए ऐसी गेम्स खेलोगी ये सोचा नहीं था। Cool it. मैंने ना कोई गेम्स नहीं खेले और ये बेमतलब का अक्यूज करने की जरूरत नहीं है मुझे। कबीर, लिसन, इसे लग रहा है कि मैंने जानबूझ के तुम लोगों से छुपाया और मुझे पता था कि ऋषि वर्मन मेरे घर पे है। टेल हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। टेल हो। ऑफ कोर्स स्वरा, मैं झूठ तो नहीं बोलती यार। बट आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब इट्स क्वाइट अ कोइंसिडेंस निया, कि पूरा शहर छोड़ के बर्मन तेरे घर पे आके किराएदार बना। खैर, गुड फॉर यू। अच्छा चलो, मुझे काम है, मैं तुम लोगों को बाद में मिलता हूँ। सोरा, कैन यू प्लीज सेंड मी दैट प्रेजेंटेशन? श्योर, आई विल सी यू। आज May the best one win. क्या था ये? What is wrong with Kabir? उसकी गलती नहीं है। मैं शुरुआत से कहती आ रही थी कि शायद स्वरा कबीर के पीछे है और अब लगता है कबीर रेसिप्रोकेट कर रहा है। स्वरा और कबीर? हाँ, ऑब्वियस है ना, नहीं तो उसकी साइड क्यों लेता? कबीर, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। लगी? नहीं नहीं। हाँ बोल। नहीं, वो अकेले में बात करनी थी। ऑफिस के बाद बात करें? ठीक है, ऑफिस के बाद मिलते हैं। हाँ सर, एक मिनट सर। वो ये एक तस्वीर थी जो शायद ऊपर ड्रॉअर में रह गई थी, शायद आपके पिछले किराएदार की। काफी खूबसूरत तस्वीर। मुझे लग रहा है सर, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। यहां से नहीं, घर से ही चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं यहां हूं आप उनको लेकर नहीं आ पाओगे। मैं यहां रहती थी, आपको उनसे प्यार हो गया, उनको शायद आपसे प्यार हो गया। लेकिन जितना मैं आपको समझता हूं सर, आप इस प्यार के मामले में ना बहुत ढीले हो। आप इन्हें कुछ ना कुछ कहा होगा, उनको गुस्सा आया और वो चली। अपने काम से काम रखो ना यार। सर वही रख रहा हूँ,
समझे मेरी बात को, मैं ऐसा ही हूं, यही मेरा काम, लोगों को समझ के उनसे 5 कदम आगे चलना। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, आपको क्या रोक रहा है उनके पास तक जाने के लिए? मतलब जितना आप तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, अभी तक तो आप पहुंच चुके होते हो। निया, बस इसके आगे नहीं, बस गुरु मानती है तुम्हें, ठीक है, इसलिए तुम्हारी ये बदतमीजी मैं माफ करता हूँ, लेकिन मेरे मामलों में दखलंदाजी बिल्कुल मत करना। ऊपर रहते हो, रिलैक्स, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, रिडल समझते हैं सर हम, पहली वो तब तक ही अच्छी लगती है जब तक उसे सुलझाया ना जाए, एक बार सुलझ गई दिलचस्पी खत्म। आपका पर्सनल मैटर मेरे लिए वही था, सुलझ गया दिलचस्पी खत्म। आज के बाद आपके किसी पर्सनल मैटर में मैं कोई टांग नहीं अड़ाने वाला, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको जाने से पहले एक सलाह देना चाहूँगा सर, मेरी बात मानेंगे तो मान लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है, स्विमिंग पूल के कोने पर खड़े होके पानी को ताकने से तैरना नहीं आता, मेरी बात मानिए, एक बार कूद जाइए, तैरना सीख जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.